आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। दो बाइक सवारों ने रिटायर्ड कर्मी से लूटा 4 लाख। घटना कैंट थाना क्षेत्र के काली मंदिर तिराहे के पास की। सूचना पाकर मौके पर पहुंची कैंट पुलिस छानबीन में जुटी। प्रदेश के नागरिक उड्डयन मंत्री नंद गोपाल नंदी मीडिया से हुए रूबरू। कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी अर्थव्यवस्था बनाकर देश को वैश्विक गुरु बनाने का लिया है संकल्प। प्रदेश में गुंडों माफियाओं को जेल भेजकर मुख्यमंत्री योगी ने प्रदेश में बनाया है उत्तम माहौल। देश व प्रदेश विकास के पथ पर है अग्रसर। सोमवारी जाम के झाम से महानगर को निजात दिलाने के लिए एसपी ट्रैफिक ने संभाला मोर्चा। विभिन्न चौराहों का लिया जायजा। कहा शहर में ट्रैफिक को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए विभिन्न रास्तों को किया गया है वन वे। बेटे का स्टंट बाप पर पड़ा भारी। वायरल वीडियो का गोरखपुर ट्रैफिक पुलिस ने लिया संज्ञान। ठोका 7500 का जुर्माना। दो लड़कियों को बैठाकर कर रहे थे स्कूटी पर ट्रिपलिंग स्टंट। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संपन्न हुई जिला पंचायत डूडा एवं अन्य कार्यदायी संस्थाओं की समीक्षा बैठक। कार्यों की गुणवत्ता संबंधी शिकायतें न आने की दी चेतावनी। कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करने के दिए निर्देश। सीआरसी गोरखपुर के तत्वावधान में आयोजित हुआ 2 दिवसीय निःशुल्क कोविड टीकाकरण शिविर। महापौर सीताराम जायसवाल ने सभी जनपद वासियों से किया आग्रह, जरूर कराएं टीकाकरण। हाई स्कूल इंटरमीडिएट की परीक्षा में उत्तीर्ण 20 मेधावी विद्यार्थियों को टैबलेट एवं 21,000 के चेक का किया गया वितरण। सीबीएसई में ऑल इंडिया पर तीसरे स्थान पर रही दिव्यांशी त्रिपाठी को दिया गया 1 लाख का चेक और टैबलेट। मुख्य अतिथि ने की उज्ज्वल भविष्य की कामना। जिलाधिकारी विजय किरण आनंद की अध्यक्षता में संपन्न हुई DHS व COVID-19 टीकाकरण आयुष्मान भारत की समीक्षा बैठक। टीकाकरण को और गति देने के साथ 100% लोगों को टीका लगाए जाने के दिए निर्देश। 8 जनवरी को कानपुर में आयोजित होने वाले व्यापारी समाज व वैश्य समाज के आगाज कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए प्रदेश के नागरिक उड्डयन मंत्री ने जनपद के व्यापारियों के साथ की बैठक। कार्यक्रम को सफल बनाने पर बनी रणनीति। सोमवारी जाम से निजात दिलाने के लिए एसपी सिटी ने ड्रोन के माध्यम से ट्रैफिक व्यवस्था का लिया जायजा। कहा शहर के विभिन्न मार्गों को किया गया है वन वे, सभी लोग वन वे का करें प्रयोग। प्रदेश के नागरिक उड्डयन मंत्री ने जनपद के दोनों पत्रकारों के आकस्मिक निधन पर जताया गहरा शोक। दोनों पत्रकारों के परिजनों को 51,000 आर्थिक सहायता देने की घोषणा। उपस्थित पत्रकारों ने मंत्री को दिया धन्यवाद। उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ के तीसरी बार प्रांतीय सह मंत्रिमंडल सचिव बनाए जाने पर धनंजय कुमार श्रीवास्तव का किया गया स्वागत। सम्मानित होने पर नवनियुक्त मंडल सचिव ने लेखपाल संघ के प्रति जताया आभार। और सोमवार को जिला अस्पताल सहित जनपद के कुल 341 केंद्रों पर 33,626 लोगों को किया गया कोविड का टीकाकरण। फर्स्ट डोज लेने वालों में 11,571 लोग तथा सेकंड डोज लेने वालों में 22,055 लोग रहे शामिल। ACMO ने कहा वैक्सीनेशन की लें दोनों खुराक।